अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज बेटा जो हमारे पास लेक्चर है वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का। और बेटा करेक्शन ऑफ एरर्स में हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 1। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, आपके सामने ज़रा आप नोट करो तो कुछ सेंटेंसेस ज़रा लिखे हुए हैं, 15 सेंटेंसेस हैं टू बी मोर एक्यूरेट। और बेटा आपने करना क्या है, आपने इन 15 के 15 सेंटेंसेस को अपने पास करना है नोट डाउन। और बेटा हर सेंटेंस के नीचे आप एटलीस्ट 2 लाइंस की जगह छोड़ोगे। अब वो 2 लाइंस आप क्यों छोड़ रहे हो, ताकि बेटा आप इन गिवन सेंटेंसेस की करेक्शन करके आप नीचे उसको लिख सको। द थिंग इज कि मेरे बच्चों, ये 15 के 15 सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब में मिस्टेक्स हैं। अब मिस्टेक कुछ भी हो सकती है। मिस्टेक क्या बात, आपके पास हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हो, क्या बता फॉर्म ऑफ वर्ब की हो, क्या बता हेल्पिंग वर्ब की हो, क्या बता टेंस की हो, क्या बता प्रपोजिशन की हो, क्या बता आर्टिकल की हो, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आपने बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए आपने उसकी करेक्शन करनी है। सबसे पहले 15 के 15 सेंटेंसेस नोट डाउन करना और बेटा फिर उसकी करेक्शन करके लिखना। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप ये बात जानते हो कि आप बचपन से इतना पढ़ चुके हो कि यार आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ आना चाहिए एम। तो इसकी करेक्शन जो लिखते हो आप क्या लिखते, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब सेंटेंस पूरा लिखोगे। एग्जाम में बेटा ये आपके पास आता है सेक्शन बी में, सब सेक्शन 4, और ये होता है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सेक्शन बी सब सेक्शन 4 जो ग्रामर का होता है, और बनता है ये क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास एग्जाम में मेरे बच्चों आते हैं 5 सेंटेंसेस, और आपको पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, पूरे पूरे करने पड़ते हैं। अब आई कैन अंडरस्टैंड मेरे बच्चों कि आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत ये यूनिक किस्म का टॉपिक हो, लेकिन बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को मेरे बच्चों इसके बाद जो है मैं इसके आंसर्स टैली करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आंसर्स टैली करवाते हुए आपको समझाऊंगा भी कि भाई ये जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर इसका क्यों बना, उसके वो आंसर बनने की वजह बताऊंगा। तो बेटा आप लोगों को अपनी करेक्शन सीखने का मौका मिलेगा, आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। तो मेरे बच्चों बेटा जल्दी सब बच्चे शुरू हो जाओ बेटा, ये सारे के सारे सबसे पहले सेंटेंसेस नोट डाउन करो, अगर नहीं भी आ रहा, और हाँ पेंसिल से करना, ताकि बेटा तुम लोगों की मिस्टेक्स जब मैं करेक्शन करवाऊँ कि बेटा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो कम से कम तुम लोगों को करेक्शन कर सको, गंदगी मत करना। बेटा शुरू हो जाओ। और मेरे बच्चों अगर काम आप लोगों को समझ में आ चुका है तो काइंडली बेटा मुझे बता दीजिएगा क्लियर, इतना लिख के भेज दो। अगर आपको मेरे बच्चों काम समझ में आ चुका है कि काम करना क्या है, तो बेटा मुझे काइंडली ज़रा मैसेजेस पे ये बता दीजिए चैट पर कि क्लियर, ताकि फिर मैं तुम लोगों को ज़रा टाइम दूँ करने के लिए। जल्दी करो बेटा सारे के सारे, अनस, असद, साजा, मुआविस, आप सबको बोल रहा हूँ बेटा मैं। बेटा बाकी भी तो हो, बाकी कौन जवाब देगा? मुआवेश तुम्हारा जवाब नहीं आया बेटा मुझे, और असद बेटा आपका जवाब भी नहीं आया मुझे। जवाब दो मुझे जल्दी से, बात समझ में आ गई करना क्या है। अब्दुल रहमान बेटा मेरी आवाज आ रही है कि तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो तुम क्या बोलो तुम लोगों को। रहमान बेटा बात समझ में आ गई है? अब्दुल रहमान मेरा बच्चा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मैं आपको टॉपिक समझा दूं जल्दी से। तुमने लेट ज्वाइन किया है, मैं पूरा समझा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जल्दी बताओ तुमको बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? अब्दुल रहमान ठीक है, अब मेरा बच्चा ज़रा सुनो बेटा। अब्दुल रहमान ज़रा देखो, हमारे पास हमने एक टॉपिक आज शुरू किया है, नया टॉपिक है, ये बोर्ड में आता है। नाउ दिस इज कॉल्ड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब देखो मेरा बच्चा, अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर एक सेंटेंस तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ हो कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, और आपसे ये कहा जाए कि इस सेंटेंस की करेक्शन करके लिखिए, तो मेरा बच्चा मुझे बताओ तुम इसकी करेक्शन क्या लिखते? इसको सही सेंटेंस करने के लिए कहा जाता तो
तो आप ठीक करके क्या लिखते हैं बताओ जरा। अगर होता कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बेटा आप ठीक करके क्या लिखते जरा मुझे बताओ। रहमान बेटा बताओ जरा, चैट पे जल्दी से मुझे जवाब दो। शाबाश। लेकिन बेटा रहमान बेटा, तुमने तो सिर्फ एम प्लेइंग लिखा है, तुम पूरा सेंटेंस लिखना, एग्जाम में ये हरकत नहीं करना। अब मेरे बच्चे देखो, करेक्शन ऑफ एरर्स में ना मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, क्या पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो, क्या पता आपके पास अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की मिस्टेक हो, क्या पता टेंसेस की मिस्टेक हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता आर्टिकल्स आ एंड दा की हो, क्या पता प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो, इट कैन बी एनीथिंग, मिस्टेक कुछ भी हो सकती है। आपने बेटा इन सेंटेंसेस को सबसे पहले क्या करना है कि अपने पास करना है नोट डाउन, और बेटा नोट डाउन करने के बाद आप दरअसल क्या करोगे कि हर सेंटेंस के नीचे आप टू लाइंस को छोड़ोगे, टू लाइंस छोड़ोगे, और बेटा फिर जब नोट डाउन कर लोगे तो इन तमाम सेंटेंसेस को आपने इनकी करेक्शन करके लिखना है, ये आपका काम है। और मैं आपको बेटा आखिरी के 10 मिनट्स में, अभी हमारे पास बाकी हैं कोई मेरे ख्याल से 22 मिनट्स हैं, आखिर में मैं जो 7 to 8 मिनट्स होंगे ना, मैं उसमें बेटा आप लोगों को जरा समझाऊंगा, अभी भी 15 मिनट हैं। और बेटा सबसे पहले तमाम सेंटेंसेस को नोट डाउन करो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसका आंसर क्या होगा। हर सेंटेंस के आंसर को मैं टैली करवाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए, ये काम है बेटा। और ये बोर्ड में टॉपिक आता है मेरे बच्चा, बोर्ड में सेक्शन बी में आता है, ये सब सेक्शन 4 का क्वेश्चन नंबर 13 होता है। सेक्शन बी में मैंने बताया था ना, सब सेक्शन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो ये 4 वाले में नंबर 13 जो क्वेश्चन होता है बेटा वो ये वाला होता है, ठीक है। और 5 सेंटेंसेस आते हैं आपके पास, लेकिन मेरा बच्चा अभी क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो हमको पूरी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी मिस्टेक आ सकती है। रहमान बेटा, अब्दुल रहमान बेटा क्लियर है बताओ मुझको, काम समझ में आ गया मेरा बच्चा, काम क्या करना है बताओ जरा। अब्दुल रहमान बेटा तुमने लेट ज्वाइन किया है, जल्दी जवाब दे दो, काम समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, तो मेरा बच्चा जरा जल्दी से काम करना शुरू कर दो, और बेटा बाकी बच्चों मैं यहीं पर मौजूद हूँ, ठीक है, सारे बच्चे काम करो जरा।
बेटा, अगर आपको लगता है सच में कि मैं आपको हैंड रेस करने पर मतलब अलाउ करूंगा, और खास तौर पे तब जब आप अपने नाम से नहीं आए हुए, तो बेटा आपकी सोच है, ठीक है? तो खुद ही बेहतरी होगी बेटा, आप चले जाओ जो भी हो आप। वैसे मुझे बड़ी हैरत होगी कि बेटा आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो, बड़ी हैरत की बात है। मतलब मैं, अगर आप इस लिंक से आए हो तो मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही है मेरा बच्चा, कि आप मेरी उसी क्लास के बच्चों में से हो, फिर भी आपने मतलब ऐसा नाम रख के आ रहे हो बेटा, बड़ी हैरत की बात है। नहीं हुआ चेंज अभी तक। कौन हो बताओ जहा बेटा, आंसर भी करने हैं, आंसर भी कर लिए। और असद बेटा, सिर्फ नोट डाउन नहीं करना बेटा, इसके आंसर भी खुद अटेम्प्ट करने हैं। आपने भी बेटा इसके आंसर लिखे कि नहीं लिखे? सिर्फ नोट डाउन नहीं करना, इनको सॉल्व भी करना है भाई। आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम लोग करोगे नहीं कुछ, तुम लोग भी तो करना है ना कुछ।
दिया है। चलो बेटा टाइम्स अप। मैं आपको बेटा जरा आंसर्स टैली करवा रहा हूँ, सब बच्चे बेटा जरा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? और मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किसका आंसर क्या है। सो मेरे बच्चों लेट्स बिगिन बेटा, इसकी शुरुआत करते हैं बेटा। एक मिनट को ओके। तो बेटा अगर हम नोट करें, हमारे पास आ रहे हैं सेंटेंस, सबसे पहले आ रहा है अली डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरे बच्चों ये हो ही नहीं सकता, ये पास्ट का सेंटेंस है, डाई आ ही नहीं सकता, ठीक है ना? हम पास्ट यूज करेंगे, अली डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना? बार बार थोड़ी मरते हो, एक ही मरते हो, अगर अली मर गया तो डाइड आएगा। और
लिखा हुआ है बेटा, जरा एक मिनट रुको, अजान शुरू हो गई है, थोड़ा रुको जरा, फिर शुरू करते हैं जरा, ठीक है? अच्छा नहीं लगता वरना अजान के बीच बोलना, थोड़ा सब्र करो। चलो मेरे बच्चों, बेटा सारे के सारे देखो जरा, आजान हो गई है। जरा देखा, ही वॉज द एनिमी ऑफ वॉर। मेरे बच्चों द एनिमी ऑफ वॉर का तुक नहीं बन रहा, क्योंकि द लगाता है किसी स्पेसिफिक चीज के आगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आएगा एन एनिमी ऑफ वॉर, ठीक है ना? आगे है, वी आर नाउ गो टू द मार्केट। मेरे बच्चों अभी नाउ की बात की जा रही है, तो बेटा गो नहीं आएगा, यह बनेगा गोइंग, अभी की बात हो रही है ना। अ ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस वर्क ऑफ गॉड। अब देखो बेटा, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है? तो ए ई आई ओ यू, ये जो वाउल साउंड है मेरे बच्चों, इनसे पहले हम लगाते हैं एन। वो कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन आप लोग और प्रैक्टिस करोगे तो समझते जाओगे। और इसके साथ साथ बेटा, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले भी हम दा लगाते हैं, तो ये लगेगा एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। मेरे बच्चों इसके साथ साथ देखो लिखा हुआ क्या, ही कुडंट सेव्ड हिज मदर, कुडंट, और लिखा हुआ सेव्ड सेकंड फॉर्म। मेरे बच्चों होते हैं कुछ, होते हैं मॉडल्स, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैड बेटर, ये जो कहलाते हैं मॉडल्स, एम ओ डी ए एल एस, ई एल एस नहीं, वो तो दूसरे मॉडल्स होते हैं जो रैम पे वॉक कर रहे होते हैं, वो एक अलग है बेटा। मॉडल्स के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सेव्ड नहीं आएगा, ये आएगा सेव। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, करेक्शन करनी है करेक्शन कर लो बेटा,
और उसके साथ साथ जो भी करना है तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 आ गया हो। आई शेल गो टू माई विलेज इन संडे मॉर्निंग, मेरे बच्चों इन संडे मॉर्निंग नहीं होता होगा, ऑन संडे मॉर्निंग, डे से पहले ऑन लगाएंगे। शी इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आर क्लास, जैसे कि बेटा हमने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, आ नहीं लगाते, तो क्या आएगा, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आर क्लास। फिर है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मेरे बच्चों देखो बेटा मैंने आपको ये शायद बार अभी तुम लोगों को समझानी भी है, आगे भी और भी करेंगे कि बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक ही फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है बेटा, वही फर्क ये होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हम दरअसल टाइम ही बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, लेकिन बेटा अगर ये सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज करेंगे, हमने सेंटेंस को ठीक करना है, इसका मतलब इज नहीं आ सकता क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो क्या बन जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बनेगा ये, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। शी इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक, मेरे बच्चों अफ्रेड के साथ बेटा जो कॉम्बिनेशन में एक वर्ड आता है ना वो फ्रॉम नहीं आता, वो आता है ऑफ, तो क्या बन जाएगा, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। नेक्स्ट है वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे, मेरे बच्चों में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा ध्यान रखना, जैसे कि पूछते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, तो बनता है व्हाट आर यू डूइंग, दोबारा सुनो क्या क्या, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। या मैं बोलता हूँ तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, सही। या बोलता हूँ वो कहाँ पर है, तो बोलूंगा वेयर इज ही, वेयर क्या आ गई, इज, हेल्पिंग वर्ब। मेरे बच्चों WH की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब आप इसको क्वेश्चन के तौर पे यूज कर रहे हो, इसका क्वेश्चन बना रहे हो, तो इसके आगे आता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ देखो हमारे पास लिखा हुआ वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, तो भाई इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। अब देखो ये है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, लेकिन एक सीन है अगर हमने डिड लगा दिया वेयर डिड तो बात खत्म नहीं होगी, बल्कि हमें स्पेंड को भी करना होगा फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा बेटा, वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे। ठीक है, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नाउ लेट्स कंटिन्यू, आखिरी के 5 आ गए। द बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, ये वाला सेंटेंस अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, इसमें मिस्टेक सिर्फ ये है कि दा नहीं लगाओगे, बस जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको हटाकर कुछ ना कुछ आएगा, कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो लिखा हुआ है उसको बस हटाना पड़ेगा, नो आर्टिकल, सिंपल क्या बनेगा, बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, बस ये करेक्शन, करेक्शन का मतलब करेक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन में तो ये होता है ना कि एक को हटा के कुछ और लगा लिया, वो थोड़ी करने का बोल रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, She is fond for tea. मेरे बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया afraid of, तो fond के साथ भी क्या रखता है, of ही रखता है, तो क्या बनेगा, She is fond of tea. अब मेरे बच्चों यहाँ देखो लिखा है He had completed his work yesterday. पहली बात तो ये कि बेटा हमारे पास ये had के साथ आ रही है थर्ड फॉर्म, ये होती है past perfect की, लेकिन एक सीन है बेटा, past perfect हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं comparison में, जब comparison किया जा रहा होता है ना, दो पास्ट की चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा हो जो पहले हो चुकी हो, मिसाल के तौर पे जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अब अगर नोट करें इसमें दो काम हो रहे हैं, मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का जाना, ये दो काम है ना, लेकिन एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, मतलब मेहमान पहले गए मैं बाद में घर पहुंचा, तो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन आता है तभी हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं आ रहा, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सिंपल क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, ही सिंपल क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, और आगे मैंने वही पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉइंट लिखा क्या है कि सिंस देयर इज नो कंपैरिजन, सिंस देयर इज नो कंपैरिजन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स फ्रॉम द पास्ट, पास्ट परफेक्ट कांट बी यूज, मतलब पास के दो पॉइंट टाइम पीरियड का कंपैरिजन नहीं है, लिहाजा पास परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 इयर्स, अगेन मेरे बच्चों का टाइम आ गया कब से हो रहा है,
इज नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, अमजद हैज बीन वर्किंग। अच्छा, हर किसी के आगे हैज बीन नहीं आएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए इसके आगे आई के साथ हैव बीन आएगा, तो क्या बन गया, अमजद हैज बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। अगला है बिरकिन हेड वॉज अ ट्रूप शिप, यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। नाउ रिमेम्बर बेटा, शिप्स के नाम से पहले आप द यूज करते हो, तो क्या बन जाएगा, दी बिरकिन हेड वॉज अ ट्रूप शिप। और मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म। काइंडली बेटा सब बच्चे जरा मुझे बताओ कि तुम लोगों की कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। मिस्टेक ज्यादा आने का मकसद नहीं है, अगर ज्यादा भी आ गई लेकिन अगर क्लियर हो गया ना कि हाँ यार क्लियर है तो वो बताओ। सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, शाबाश, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि जो भी मिस्टेक्स आई है ना बेटा, तमाम बच्चे बताओ कि सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, शाबाश, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, तमाम बच्चे बेटा मुझे बताओ। हाँ भाई अब्दुलरहमान, अनस, हुज़ैफ़ा बेटा शाबाश, मुआविस बेटा तुम लोगों को ये पूछ रहा हूँ तो जल्दी से मुझे जवाब दो, तुम लोगों को क्या सीन है यहाँ पर, कितनी मिस्टेक्स आई हैं। 2 मिनट रह गए हैं बेटा, क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, काइंडली जरा मुझे आंसर दे दीजिए। ओके हुज़ैफ़ा बेटा तुम बताओ जो मिस्टेक्स आई हैं बेटा वो क्लियर है, ये बताओ बेटा मुझको, ऑल क्लियर है बेटा सारा का सारा। और अनस जवाब दो बेटा, असद तुम भी जवाब दो बेटा, अनस असद बेटा दोनों जवाब दो। अनस बेटा मस्ता नहीं है, मिस्टेक ज्यादा भी आ गई कोई इशू नहीं है मेरा बच्चा, मुझे ये बताओ क्लियर है ना, ये बताओ क्लियर हो गया कि जो मिस्टेक आई है जो मैंने करेक्शन करवाई है वो करेक्शन क्यों करवाई है, ये क्लियर है बेटा, ये बताओ अनस, उसका कोई मस्ता नहीं है मिस्टेक ज्यादा आ गई है तो ठीक है। ओके और असद ने जवाब नहीं दिया अभी तक, मुआविज ने जवाब नहीं दिया, असद बेटा क्या कर रहे हो मेरा बच्चा, क्लास खत्म होने वाली है जल्दी जवाब दो बेटा, क्या हो गया, अगली क्लास मेरा मेरे शुरू हो चुकी है, 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, जल्दी जवाब दो मुझको। चलो मेरे बच्चों बेटा फिर यहीं पे रोकते हैं ठीक है, वरना हम लोग जरा डिले होते जाएंगे, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से जरा नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।